एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल आर डूइंग गुड. अच्छे होंगे आप सभी, राइट? एंजॉय कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को. अभी आपको पता है कोविड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो फिर अभी वैसे ही लाइफ चलने वाली है हमारी, मतलब घर पे रहना और वर्क फ्रॉम होम एंड ऑल. आई होप आपको भी ये चीज़, आप भी इस चीज़ को देख रहे होंगे दिल्ली में ऑफकोर्स. सो आज हम जो बात करने वाले हैं टॉपिक पे, वो है हमारी शादी. ठीक है, हम पहले रिलेशनशिप में आए, देन हमारा क्या क्या चीज़ें हुई, उन्होंने कैसे कन्विंस किया, हाँ क्या क्या फेस थे हमारे लाइफ के, तो वो हम बताते हैं अभी आपको. तो आज से पहले स्टार्ट करेंगे. 2015 में हमने कॉलेज ज्वाइन करा. हम दोनों एक ही कॉलेज में थे, एक ही क्लास में थे, एमबीए कर रहे थे. कॉलेज नेम वाज टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, जो कि आपका पीतमपुरा में है, एक भी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है. तो वहाँ पे हमने 2015 में अपनी एमबीए स्टार्ट करी. देन एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर मेरी इनसे दोस्ती हुई, बातचीत हुई, नोट मांगना और ये सर. देन इन अप्रैल 10, 2016 हम रिलेशनशिप में आए. उसके बाद फिर एक साल एमबीए करी, घूमे फिरे, मूवीज वूवीज देखी काफ़ी सारे, इन्जॉय करा. फिर कॉलेज ख़त्म हुआ तो ये अपने करियर की तरफ चली गई, मैं अपना जॉब की तरफ फोकस कर लिया. उसके बीच ही हम फिर 3 साल हमने मिला, एक दूसरे को जाना समझा, घूमते फिरते रहते थे. उसके बाद फिर 2019 में इसने कहा कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि उस बीच मेरे पेरेंट्स भी फिर शादी के लिए मतलब लड़का वड़का भी देख रहे थे आगे. तो फिर मैंने आश्रय को बोला कि अगर आप इंटरेस्टेड हो और आप अगर चाहते हो कि आगे हम शादी करें, तो आप फिर अपने घर पे बात कर सकते हो उस चीज़ के लिए. फिर हमने अपने घर पे बात करी, इसने अपने घर पर, टाइम लगा बात करने में, एक साल फिर निकला. फिर दिसंबर 2020 में पापा मम्मी, इसके पापा मम्मी रिश्ता लेकर वहाँ पे आशा का टेस्ट हुआ था. काफी बातचीत हुई, सब कुछ हुआ. फैमिलीज के बीच में टेस्ट नहीं, ऐसे वो वाला टेस्ट नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा ये था कि कंपैटिबिलिटी चेक करनी थी, लाइक फैमिलीज बिलोंग एक साथ जुड़ रही थी, तो उस चीज़ के लिए डिस्कशन हुआ कि पापा मम्मी और मेरे पेरेंट्स के बीच में बातचीत हुई, सब कुछ हुआ. देन फिर रिश्ता पक्का हुआ. फिर जैन 14 को भी हमने रखा कि वो पकड़ लेते हैं, क्योंकि उस दिन आई थिंक उस दिन लोहड़ी भी थी और मकर संक्रांति भी थी, दोनों था उस दिन. काफ़ी अच्छा दिन था, बहुत अच्छा दिन था. एंड तो उस दिन रोका हुआ, रोका भी मेरे घर पे हुआ था. और फिर मार्च में 11th मार्च को हमारी सगाई हुई, कोविड से एक टाइम पहले, एक वीक पहले. और फिर सब कुछ बंद हो गया 3-4 महीने के लिए, हम मिल नहीं पाए. फिर आश्रय आता था मिलने, फिर बीच में मैं चक्कर लगाता था मिलने के लिए. मेरी मम्मी को अलाउड था मतलब बाहर निकलना, तो उसी बहाने मैं मिलने चले जाता था. एंड देन फिर कोविड ख़त्म हुआ, फिर हम और मिले. उसके बाद फिर सितंबर में हमने अक्टूबर में हमने अपनी प्री वेडिंग करी. प्री वेडिंग शूट हुआ और काफ़ी अच्छा. ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हो प्री वेडिंग शूट को, जो कि बहुत अच्छी थी. वहाँ पे भी हमने बहुत इन्जॉय किया, तो काफ़ी मज़ा करा उसमें. प्री वेडिंग में काफ़ी अच्छी रही वो, एक दिन की थी पूरी. हाँ, तो प्री वेडिंग हुआ. उसके बाद फिर November 28th को हमारी शादी हुई 2020 में. चाहे तीनों चीज़ें मतलब कि सब कुछ 2020 में, इसी ईयर में हुआ, 2020 में ही हुआ. तो ये हमारी जर्नी रही. उसके बाद फिर अब हमें मोस्टली एक साल के ऊपर हो गया है, और टचवर्ड अभी तक सब सॉर्टेड है, सब सॉर्टेड है. फैमिलीज भी अच्छे से इन्वॉल्व हैं एक दूसरे के साथ, फैमिली भी एक दूसरे से खुश है, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज थी. आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, ही इज फ्रॉम पंजाब, सो ही इज पंजाबी. इंटरकास्ट मैरिज थी, तो इसकी वजह से थोड़ा सा था कि भाई कैसा होगा क्या होगा, बट टचवर्ड होपफुली अच्छा हुआ. भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है और हम खुश हैं, और हम घूमते फिरते रहते हैं. हमारी फैमिलीज भी बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ. ऐसा भी नहीं है कि मतलब थोड़ा सा कुछ हो, बट टचवर्ड बहुत अच्छा है, इसकी वजह से हम लोग भी खुश हैं. तो मैं यही कहना चाहती हूँ, यही सजेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हो या फिर आप इंटर रिलीजन मैरिज कर रहे हो, तो आप पहले अपने पेरेंट्स को कन्विंस करो और अपने पेरेंट्स को बताओ कि लाइक आप उनको लाइक करते हो, लड़के को लाइक करते हो या लड़की को लाइक करते हो, जो भी है, और आप उनको अपने पेरेंट्स से मिलाओ, राइट? और थोड़ा सा मतलब टाइम दो. अगर वो नहीं मान रहे हैं तो उनको थोड़ा सा कन्विंस करो, और अगर वो नहीं मान रहे हैं तो उसका भी कोई एक रीज़न होगा.
ठीक है। तो क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने इसलिए माना हमारी शादी, एक ये रीज़न भी था कि आश्रय भी अच्छा था और उनकी फैमिली भी अच्छी थी, और आश्रय को, आश्रय की फैमिली भी मुझे पसंद करती थी और मेरी फैमिली को पसंद करती थी, राइट। तो ये चीज़ हो जाती है क्योंकि हर कोई पेरेंट्स यही चाहता है कि उनके बच्चे खुश रहें शादी के बाद। तो आश्रय आप क्या सजेस्ट करोगे सभी को? यही कि मतलब कि अपने पेरेंट्स से बात करो, उनको मनाने की कोशिश करो, बाकी अगर किस्मत में है तो हो ही जाएगी शादी। हाँ ये भी है। अब जैसे एक साल हो गया है, ये भी पापा मम्मी के साथ, मेरे डैड और माँ के साथ काफ़ी घुल मिल गई है, मुझसे ज़्यादा के साथ, हाँ, मेरे उनसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई मुझसे। हाँ ये बात तो है, उनके साथ मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ आश्रय से ज़्यादा, और मैं उनके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व ज़्यादा रहती हूँ आश्रय से ज़्यादा। तो ये है, तो ये हमारी स्टोरी थी। तो चलो आई होप आपको ये स्टोरी से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और आप अपनी, अगर आप इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन मैरिज में मतलब जा रहे हो, तो आप ये सारी ये स्टोरी को देख के आप थोड़ा सा सजेस्ट, मतलब आप सजेशंस ले सकते हो हमारी वीडियो से। सो थैंक यू ऑल, बाय, टेक केयर।